राधे नाम भगवान का नाम इतना जरूरी है आपके जीवन में, कितना जरूरी, जितना जरूरी जीवन में जल है, बोलना पड़ेगा। एक गांव में एक कुआ था और गांव के व्यक्ति जितने भी थे ना उसी कुएं का पानी पीते थे। आप सुन रहे हो या फिर आने जाने वालों को देख रहे हो, वो लगे ना व्यवस्था में। अब आप फायदे में रह गए, पहले आ गए तो क्यों? क्योंकि आपने समय का सदुपयोग किया है। समय का सदुपयोग करिए, जैसे जो माता आगे बैठी है ना उन्होंने किया है। गांव में कुआं था, कुएं का पानी सारा गांव पीता था। अब देखिए 3 घंटे कथा होती है तो थोड़े थोड़े कुछ उत्तराप भी देते रहे ना तो थोड़ा मुझे भी हिम्मत मिलेगी, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए, पूरे कुएं का पानी पूरा गांव पीता था, ठीक है? एक दिन क्या हुआ, जैसे आपके जीवन में परेशानी आती है, कोई बुरा काम नहीं करना चाहता लेकिन परिवार का मन, कभी कभी तो रिश्तेदार भी फोन करके भड़क दे देते हैं। और भड़क की बात क्या कहे, परेशानी की बात क्या कहे, अगर आज पड़ोसन आपके सामने से मुस्कुराते हुए निकली है तो भी कोई कोई देवी जी उदास हो जाते हैं कि वो मुस्कुरा क्यों रही है। उस कुएं में आज कुत्ता गिर गया, जैसे हमारे अच्छे भले जीवन चल रहा है, होता है ना आपके जीवन में ऐसा। अब परेशान हो गए सब, जैसे आप हो गए, लेकिन परेशानी किसी भी समस्या का हल नहीं होता। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, सबने मिलकर परामर्श किया कि गांव से बाहर महात्मा रहते हैं, ते बंदे वही तेरी मुश्किल आसान करेगा और जिसे तू ना कर सका उसे भगवान करेगा। या तो खुद कर, मन लगा कर, कर समय का सदुपयोग कर, पूरी जिम्मेवारी से कर, विधि विधान से कर, या करके या उसके भरोसे होकर चल। जीवन में दो ही काम, महात्मा के पास गए, महात्मा ने परामर्श दिया ऐसा करिए, उस कुएं में गंगा जल और तुलसी दल डाल दिए। सारे गांव की एकता थी, सब एक साथ गए थे, महात्मा की बात मानी और उसमें गंगा जल और तुलसी दल डाल दिया। ध्यान देना, डल गया है गंगा जल और तुलसी दल, आ गई है कथा आपके मध्य। गंगा जल और तुलसी दल कुएं में डल चुका है और कथा आपके बीच आ चुकी है, लेकिन फिर भी दुर्गंध आनी बंद नहीं हुई। और जब तक दुर्गंध आएगी तो कोई जल पी सकता है? फिर माथा पकड़ के बैठे, क्या करे क्या करे, परामर्श दिया आप पुनः महात्मा के पास जाइए। दोबारा गए महात्मा जी, आपने जैसा कहा था हमने वैसा किया, गंगा जल डाला, तुलसी दल डाला, लेकिन दुर्गंध आनी बंद नहीं हुई। महात्मा कहते हैं डाला, इतना डाला, ढेर सारा डाला, जितने गांव के व्यक्ति थे सबने जितने घर में गंगा जल था डाल दिया, तुलसी दल डाल दिए, दुर्गंध आनी बंद नहीं हुई। तो महात्मा कहते हैं गंगा जल डाल दिया, डालने से पहले कुत्ते को कुएं से निकाला, तो उन्होंने क्या कहा, नहीं दुर्गंध आनी बंद नहीं होगी और कुएं का जल पीने योग्य नहीं होगा, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। भागोगे संसार के पीछे तब तक ये बीमारी, कौन सी बीमारी, पीछा छोड़ने वाली नहीं है ये बीमारी। पीछा तभी छोड़ेगी जब आपके जीवन में हरी का नाम हो। पर मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि बोलने में आपका लगता क्या है, कुछ लगने वाला नहीं, कुछ आपको किसी को देना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, अरे बोलना ही तो है। हरी नाम को बोल कर देखिए, हरी नाम रटते रटते मीरा को जो जहर दिया गया था ना, रटते रटते उसके शरीर में इतना पॉजिटिव हरि का नाम, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति थी कि जहर को भी अमृत में बदल दिया। और तुम एक चिंता को दूर नहीं कर सकते, करना क्या है, सुबह उठकर भगवान जाने अब तुम क्या करती हो, तुम्हारी तुम जानो, जो करती हो
अच्छा ही करती होगी, लेकिन थोड़ा सा अच्छा और कर लीजिए। आज से कल से सुबह उठ के क्या करना है, पहले तो सोना है, जाके सोओगे तभी तो उठोगे ना। तो सोते समय क्या करना है, अब सर्दी तो रही नहीं, सोने से पहले मुस्कुरा के सोना, ठीक है? क्योंकि मुस्कुराते हुए सोओगे तो मुस्कुराते हुए उठोगे, और उठने ही कम से कम बताती हूँ, कम से कम, कम से कम बता दूँ, ज्यादा नहीं, कम से कम 8 बार राधे कृष्ण 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 तुम बोल लिया करो, सिर्फ 8 बार, कुछ मत सोचना, बैठ के आराम से दोनों अपने हाथों को ऐसे देखकर, आंखों से लगाकर, जैसे ये जुड़े हैं ऐसे ही इनको यहाँ लेकर राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक काम करना, करोगी कौन कौन करेगा हाथ उठाना, बस एक ये काम शुरू कर देना।